આપણે આથી રવાના હોય ને ઇન્શાલ્લા અંદર આપણે દુબઈમાં એરામ માંગને કા હોય ના દુબઈ માં ફ્લાઇટ 3 ઘંટે કે લીએ ખડી રહેગી 3 ઘંટે માં વા દુબઈ મેં એરપોર્ટ પર મસ્જિદ હૈ ઇન્શાલ્લા આરિફ ભાઈ કી આગેવાની માં વા પહોંચોગે ઓર એરામ બાંધ કે વાપસ ફ્લાઇટ બદલ કે ફ્લાઇટ માં અપને સામાન કી ફિકર કરને કી નહીં હૈ સામાન ઓર કનેક્ટેડ ફ્લાઇટ હૈ કહેને કા મતલબ સામાન કા કામ એરપોર્ટ વાલે ખુદ કરેંગે ઓર આપને જો સામાન યહાં ડાલોગે વા તુમ્હારે કો સીધા જિદ્દા માં મિલેગા દુબઈ મેં સામાન કી ફિકર કરને કી જરૂર નહીં હૈ દુબઈ મેં એરપોર્ટ માં ઉતર કે એરામ બાંધ કે જો વગેરે પ્રોસેસ સમાજ વગેરે કી પ્રોસેસ કરકે सीधी फ्लाइट पकड़ के वापस बैठ जाए बड़े जिद्दा में सामान अपने को आराम से मिलेगा जिद्दा में सामान लेके आराम से निकलना है जिद्दा में आरिफ भाई को मैंने समझा दिया बस किस तरह लेने की क्योंकि ये जिम्मेदार है वो बस वगैरह का सब देख के आपको सीधा मक्का होटल पे जाए बाद हमारे इम्तियाज भाई आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप के 73 आदमी मुंबई एयरपोर्ट से आज सुबह में निकल गए बराबर आप जाओगे तो इंशाल्लाह 80 लोगों का ग्रुप है आपका आराम से अच्छी तरह से बिल्कुल उमरा की प्रोसेस करके आना अगर नहीं समझ पड़े तो मैंने वीडियो भेजे उमरा में क्या है कुछ गलती क्या है क्या नहीं उसका सबका वीडियो मैंने आरिफ भाई को भेजा है आप एक बार देख भी सकते हो अंदर बैठ के देखने में मजा आप लेट भी हो गए अगर जल्दी आते तो अंदर बैठ के देखने का भी राहत रहती बराबर फ्लाइट जाती वक्त किस तरह है आखिरी बार इम्तियाज भाई सब समझा के तुम्हारे को भेजेंगे मदीना से अपना वापस आने का डायरेक्ट मदीना से दुबई है जिस तरह यहाँ से जाते हैं अहमदाबाद से दुबई दुबई से जिसका फिर वहाँ मदीना जाएंगे ना मदीना से दुबई दुबई अहमदाबाद इस तरह सफर पूरा होगा बाकी के जितने भी जरूरी कागजात है वो सब मैंने आरिफ भाई को सबमिट करे हैं कोई भी कागज की फिक्र करने की नहीं जिम्मेदार पासपोर्ट में बाकी के सबके कागजात इंस्टेंट प्रिंट हो जाएगी सब अपने पास रेडी है पासपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता पासपोर्ट की पूरी प्रोसेस होती है तो सबसे ज्यादा संभालने की चीज कौन सी है और बाकी की कोई भी चीज अगर अल्लाह ना करे आगे पीछे भी होती है तो फिक्र करने की उसके टेंशन में उमरा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फोन इनको मेरे को कहीं भी करोगे ना तुम्हारे को वो चीज़ वहाँ पहुँचती हो जाएगी पासपोर्ट का कोई इलाज नहीं होगा तो सबसे ज्यादा संभालने की चीज पासपोर्ट है ठीक है और दुआ करियो आपके लिए और अच्छी तरह से यहाँ करके वापस आओ ऐसी हमारी दुआ है बाकी कुछ भी काम हो वहाँ के आदमी का नंबर भी आरिफ भाई को दे दिया है या मेरा नंबर भी है उसने भी बहुत सारे नंबर मैंने भेज दिए मेरे आरिफ भाई को तुम तुम्हारे कोई भी जाति कोई भी बात हो मेरे को फोन करो आरिफ भाई इंशाल्लाह अपने वहाँ बराबर और दुआ की सबके ठीक है भाई साहब दुआ में याद बता बढ़ा कर दे लेनी है नहीं नहीं चलेगा और हमने चप्पल ले जाने भी नहीं देंगे कहीं तो रखने भी नहीं देंगे तो ध्यान में रखनी पड़ेगी सबके Gracias.
का बैग है, निकाल ले, देखिए पीछे की चेन में देख लियो, उसके अंदर चमड़ा भी होगा। पास में ही रखने का ये चीज, और पास में समझा देता हूँ, पास में क्योंकि उसकी जरूर तुम्हारे को जिद्दा में पड़ेगी। अपने यहाँ से रवाना होंगे इंशाल्लाह अंदर, अपने दुबई में अहराम मांगने का होएगा। दुबई वहाँ फ्लाइट 3 घंटे के लिए खड़ी रहेगी, 3 घंटे में वहाँ दुबई में एयरपोर्ट पे ही मस्जिद है। इंशाल्लाह आरिफ भाई की आगे वाली में आप वहाँ पहुँचोगे और अहराम बांध के वापस फ्लाइट बदल के, फ्लाइट में अपने सामान की फिक्र करने की नहीं है, सामान और कनेक्टेड फ्लाइट है, कहने का मतलब सामान का काम एयरपोर्ट वाले खड़ी करेंगे और अपने जो सामान यहाँ डालोगे वहाँ तुम्हारे उसी का जिद्दा में मिलेगा। दुबई में सामान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दुबई में एयरपोर्ट में उतर के अहराम बांध के जो वगैरह प्रोसेस जमाज वगैरह की प्रोसेस करके सीधी फ्लाइट पकड़ के वापस बैठेगा ना, बोले जिद्दा में सामान अपने को आराम से मिलेगा, जिद्दा में सामान लेके आराम से निकलना है। जिद्दा में आरिफ भाई को मैंने समझा दिया बस किस तरह लेने की, क्योंकि ये जिम्मेदार है, वो बस वगैरह का सब देख के आपको सीधा मक्का होटल पे जाए बाद हमारे इम्तियाज भाई आपको मिल जाएंगे। आपके ग्रुप के 73 आदमी मुंबई एयरपोर्ट से आज सुबह में निकल गए, बराबर आप जाओगे तो 80 लोगों का ग्रुप है आपका, आराम से अच्छी तरह से बिल्कुल उमरा की प्रोसेस करके आना। अगर नहीं समझ पा रहा तो मैंने वीडियो भेजे उमरा में क्या है, कुछ गलती क्या है क्या नहीं, उसका सबका वीडियो मैंने आरिफ भाई को भेजा है, आप एक बार देख भी सकते हो, अंदर बैठ के देखना होगा, या फिर लेट भी होगा अगर जल्दी आते तो अंदर बैठ के देखने का भी राहत रहती, बराबर है। फ्लाइट जाती वक्त इस तरह है, आती बार इम्तियाज भाई सब समझा के तुम्हारे को भेजेंगे मदीना से अपना वापस आने का, डायरेक्ट मदीना से दुबई है, जिस तरह यहाँ से जाते हैं अहमदाबाद से दुबई, दुबई से जिद्दा, फिर वहाँ मदीना जाएंगे ना, मदीना से दुबई, दुबई से अहमदाबाद, इस तरह सफर होगा। बाकी के जितने भी जरूरी कागजात है वो सब मैंने आरिफ भाई को सबमिट करे हैं, कोई भी कागज की फिक्र करने की नहीं, सिवाय पासपोर्ट के, बाकी के सब के कागजात इंस्टेंट प्रिंट हो जाएगी, सब अपने पास रेडी है, पासपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता, पासपोर्ट की पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे ज्यादा संभालने की चीज कौन सी है, और बाकी की कोई भी चीज अगर अल्लाह ना करे आगे पीछे भी होती है तो फिक्र करने की, उसके टेंशन में उमरा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें और इनको मेरे को कहीं भी करो लेना है तुम्हारे को वो चीज वहाँ पहुँचती हो जाएगी, पासपोर्ट का कोई इलाज नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा संभालने की चीज पासपोर्ट है, ठीक है, और दुआ करियो आपके लिए और अच्छी तरह से यहाँ करके वापस आओ, ऐसी हमारी दुआ है। बाकी कुछ भी काम हो वहाँ के आदमी का नंबर भी आरिफ भाई को दे दिया है, या मेरा नंबर भी है, दूसरे भी बहुत सारे नंबर मैंने भेज दिए मेरे आरिफ भाई को, तुम तुम्हारे कोई भी जाति कोई भी बात हो मेरे को फोन करो, आरिफ भाई इंशाल्लाह तो वहाँ
भाई साहब दुआ में याद रखियो सब। भाई सवा एक बज गया।